बलरामपुर जिले के प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में उतरौला तहसील के पिपरा गांव के रहने वाले रामशब्द वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। रामशब्द जैविक खेती के जरिए बेहद कम लागत से साल में 7 से 8 लाख रुपए की फसल पैदा करते हैं। खेती में हमेशा नए प्रयोग करने वाले रामशब्द का कहना है कि जैविक खेती के जरिए कम लागत में फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जो हमारा खेती है पूरा टोटल जो है ये जैविक खेती है। हमारी जैविक खेती में हमारा लागत एकदम बिल्कुल जीरो है। हमारा कोई लागत नहीं लगता है, केवल बिया का दाम लगता है और जो हमको मुनाफा होता है वो टोटल हमारा बच जाता है। हम 4 एकड़ खेती करते हैं, करीब 7 से 8 लाख रुपए हमारा बच जाता है। रामशब्द वर्मा का कहना है कि जैविक खेती के साथ ही हम अपनी फसलों को बदल बदल कर बोते हैं जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है। हम मटर की खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं, मिर्चा की खेती करते हैं, पत्ता गोभी है और फूल गोभी है और इधर हम फ्रांस बीन भी लगाएंगे, अभी आने वाले समय में लगाएंगे। और हमारा जो है कई फसल है, हम बार बार फसल को बदल। रामशब्द वर्मा ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि वह भी इस तरह की जैविक खेती को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। हम अपने साथी को संदेश देना चाहेंगे कि वो भी हमारे तरह जैसे हम करते हैं इसी प्रकार वो भी खेती करें और फायदा उठाएं। बेहतरीन खेती के लिए किसान रामशब्द वर्मा को कृषि विभाग की ओर से कई बार सराहा भी जा चुका है। यही वजह है कि रामशब्द वर्मा किसानों के लिए प्रेरणा के रूप में उभर रहे हैं। खेती कैसे की जा सकती है? खेती एक मुनाफे का बिजनेस हो सकता है और जो किसान अपनी खेती को सही से नहीं कर पाते या जो किसान इसे जो है मुनाफे का बिजनेस नहीं बना पाते उन्हें कम से कम उनके लिए कम से कम रामशब्द जी प्रेरणा का स्रोत हैं और इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। बलरामपुर से मैं युगेंद्र त्रिपाठी ईटीवी भारत के लिए।